नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लगातार मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताता हूं और आज भी बताऊंगा राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से निकाली गई वैकेंसी के बारे में। कल मैंने साथिन की वैकेंसी बताई थी, आज मैं आपको बता रहा हूं आंगनबाड़ी की वैकेंसी। तो राजस्थान गवर्नमेंट कुल मिलाकर के मेरी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ काफ़ी सारे जिले हैं जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, ये तीनों पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और तीनों के लिए योग्यता रखी गई है 12th पास। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी योग्यता है, आप जिस भी जगह अप्लाई करती हैं आप वहाँ की मूल निवासी होना जरूरी है। तीसरा, आपका विवाहित होना जरूरी है। विधवा परित्यक्ता कोटे से अगर आप हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। राजस्थान की मेरी बहनों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आरक्षण का लाभ भी उन्हें मिलेगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर आप जिस भी जिले से बिलोंग करती हैं आप उस जिले की विज्ञप्ति को देख सकती हैं। और आवेदन की बात करें या एज लिमिट की बात करें, सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 21 से 35 साल और आरक्षण लगा करके 40 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा हम यहाँ देखें तो 31 जुलाई तक आप आवेदन की तिथि, यहाँ अलग अलग जिले में अलग अलग है, किसी में 20 जुलाई है, किसी में 21 जुलाई है, किसी में 27 जुलाई है, किसी में 31 जुलाई है, तो आवेदन की तिथि भी अलग अलग है, उस हिसाब से आप आवेदन भी कर सकती हैं। फिर भी कोई डिटेल आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, इसके बारे में जितने सवाल हो सकते हैं मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी लिंक मैंने दिया है प्रत्येक जिले का, वहाँ अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि वीडियो में इससे ज़्यादा जानकारी देने का मुझे लगता नहीं कोई औचित्य है, क्योंकि जब आप विज्ञप्ति पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।